बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम सादिया हेयर फ्रॉम स्टेट लाइफ ब्रांच एंड डी एच ए गाजी रोड ब्रांच। क्लास वन बेटा ओपन योर उर्दू रीडिंग बुक एंड ओपन पेज नंबर 30। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन डेट एंड डे। सबक नंबर 8 अदब। अदब इस सबक में हम क्या पढ़ेंगे कि बच्चे जो हैं उनको अच्छे बुरे की तमीज़ होनी चाहिए, किस तरह से उन्होंने अदब और खुश इखलाकी के साथ पेश आना है। जैसा कि यहाँ पे एक चिल्ड्रन जो है वो अपने ग्रैंड मदर को देख रही है, ठीक है, या उनके लिए पानी लेकर आ रही है। ओके, नाउ स्टार्ट द रीडिंग। अदब ही से इंसान इंसान है। वो कह रहा है अदब होगा अगर आपके अंदर मैनर्स होंगे तो इंसान इंसान लगता है, अच्छा लगता है, खुश इखलाक लगता है, ठीक है। अदब से ही उसकी पहचान होती है। ना सीखे अदब जो वो हैवान है। जो अदब नहीं सीखेगा, जो मैनर्स नहीं सीखेगा, वो क्या बन जाएगा? हैवान मींस जानवर। वो क्या बन जाएगा? जानवर, जिनको तमीज़ नहीं होती, ठीक है। जैसे आपने अपनी स्ट्रीट में भी जानवर्स को देखा होगा, वो जिसको मर्जी काट लेते हैं, ठीक है, उन्हें कोई मैनर्स नहीं होते। लेकिन वो कहता है कि अगर इंसान में भी मैनर्स नहीं रहेंगे तो वो क्या बन जाएगा? हैवान। जहाँ मैं हो जहाँ जहाँ में, ये जहाँ नहीं है, ये जहाँ है, ठीक है। जहाँ में हो प्यारा ना क्योंकि क्यों कर अदब, ठीक है। वो कह रहा है जहाँ में क्यों ना प्यारा हो अदब। ये नज़म है जो कि लिखी है इस्माइल मरीठी ने, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जहाँ में, मतलब जहाँ मीन्स दुनिया, ठीक है, दुनिया दुनिया में हो प्यारा ना क्यों कर अदब। वो कह रहे हैं क्यों कर प्यारा ना हो अदब, वो है आदमियत का जेवर अदब। वो कह रहे हैं कि वो क्या करता है, जो अदब है वो ही है आदमियत का जेवर अदब। मतलब इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर अब तक हर चीज़ में इंसान की जो है वो अदब ही उसका जेवर है। अगर अदब नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ना हो जिसको अच्छे बुरे की तमीज़, ठीक है, जिसको अच्छे बुरे की तमीज़ ना हो, मतलब जिसको फ़र्क ना पता हो। तमीज़ का मतलब है फ़र्क पता होना, ठीक है, जिसको ये ना पता हो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ना वो घर में प्यारा ना बाहर अजीज़, ठीक है। वो कह रहा है जिस इंसान को अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होगी, अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं पता होगा, ना वो घर में लोगों को प्यारा लगेगा, ठीक है, और ना ही बाहर अजीज़। अजीज़ मतलब प्यारा, और ना ही बाहर, बाहर मतलब वो अपने कहीं रिलेटिव में मिलने जाता है, स्कूल अहबाब में मिलने जाता है, तो वो कहीं भी आपको, जो बच्चा मैनर लेस होता है वो टीचर्स को भी पसंद नहीं होता और पेरेंट्स को भी पसंद नहीं होता, ठीक है। बताते अदब को करीब, ठीक है। वो कह रहा है कि जिसको अदब नहीं होगा उसको लोग अपने करीब नहीं बैठाते। करीब मतलब पास। ये सच है बेअदब बेनसीब, कि जो, वो कह रहा है ये सच है कि बेअदब जो होता है वो बदकिस्मत होता है, बेनसीब होता है, क्योंकि वो मैनर लेस होता है तो उससे कोई भी प्यार नहीं करता। ओके बेटा, आपने इसकी रीडिंग अच्छे से डन करनी है और आपने भी मैनर्स वाले अच्छे बच्चे बनना है, अदब वाले बच्चे बनना है, मैनर लेस नहीं बनना। ओके, टेक केयर, अल्लाह।